गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ओके एंड हिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओके सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वाई बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द सोसाइटी ठीक है कि जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्यों क्योंकि वो हमें सोसाइटिकल जो नॉलेज है कि पास्ट में क्या हुआ था एंड हाउ इट्स चेंजिंग कि वो उसमें कैसे बदलाव हुआ एट दैट टाइम ठीक है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं इसके अंदर यस सो लेट्स स्टार्ट नाउ बट स्टार्ट करने से पहले हम लोग बातें करेंगे वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर एंड इन योर नाइन्थ क्लास हिस्ट्री वट इज़ द डिफरेंट बिटवीन योर एट्थ क्लास हिस्ट्री कि एट्थ क्लास की सिक्स सेवन्थ क्लास की जो हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी उसका जो नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री है उससे कैसे डिफरेंट है वो ठीक है इसमें ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग तो आपको बता दूं मैं पहले आपने सिक्स क्लास में पढ़ा एनशियट हिस्ट्री आदि मानव के बारे में ठीक है आफ्टर यू स्टडीड इन सेवेंथ क्लास मेडवल हिस्ट्री एंड इन एट्थ क्लास यू स्टडीड अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव डिवाइड हिस्ट्री इन टू द थ्री पार्ट्स ओके सो वो हम लोगों ने पढ़ा रिगार्डिंग इंडिया बट अब इंडियन हिस्ट्री का और वर्ल्ड हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशनशिप है आपस में क्या आपस में रिलेशनशिप है उस चीज़ को यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सो वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर फिर क्वेश्चन आता कि भाई हम लोग क्यों पढ़े फ्रांस की रेवोल्यूशन को ठीक है कि फ्रांस इज ए नोट ए और कंट्री ठीक है हमारा तो देश है नहीं ये फिर फ्रांस रेवोल्यूशन को क्यों पढ़े हम फ्रांस इज ए कंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट फ्रांस कहाँ है यूरोप कॉन्टिनेंट में है तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वाई वी आर स्टडिंग बिकॉज जो आप लोग आज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री आज भारत क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेसी ये कहाँ से आई कहाँ से आई ये डेमोक्रेसी ठीक है क्यों भी पहले तो मोनियरसी सिस्टम होता था ना पहले तो तो ये डेमोक्रेटी जो कंट्री है उसके आइडियाज ठीक है वो कहाँ से आई फिर सो इट्स रिलेटेड टू द फ्रेंच सोसाइटी ठीक है इट्स रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवल्यूशन कि जो आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं मोनियर्सी सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ राजा लोगों का सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ उसका जो संबंध है वो सो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं सो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग कि भाई ये जो ची सिस्टम है जो राजा लोग होते थे पहले वो कैसे ख़त्म हुए वो आइडियाज़ लोगों के माइंड में कैसे आए ठीक है तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही लोगों को क्या है ये आइडियाज़ सिखाए ये आइडियाज़ दिए तभी ये आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुए फैले और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे 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 सभी कंट्रीज़ क्या हुए आज़ाद होते गए ठीक है तो इस तरीके से वो चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है सो so, पता चला कि वाई वी आर स्टडिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्यों पढ़ने वाले हैं हम लोग ठीक है सो so, देखिए इसके अंदर सिक्स पार्ट आर देयर आर छः या सात पार्ट इसके अंदर हैं वन बाई वन वी विल डिस्कस अबाउट ओवन स्टडी ओके कि एक एक करके हम इसकी पढ़ाई करेंगे सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट पार्ट यस yes. तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग एक बार जानेंगे कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं दिस इज़ वेरी नेसेसरी वो चीज़ें ज़रूरी हैं अगर मैं कहीं जाने वाला हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि भाई मैं कहाँ जाने वाला हूँ तो उसके लिए मुझे स्टेशन का पता ना हो होना चाहिए ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कैसे मुझे जाना है ठीक है तो वो चीज़ें तो जो हम पढ़ने वाले हैं तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ भाई वो चीज़ें जानना ज़रूरी है मेरे लिए ठीक है तो टॉपिक पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सेवन चीज़ें हैं सेवन पॉइंट्स में मैंने इसको डिस्कस किया है कि फर्स्ट फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो एटीन सेंचुरी से पहले ठीक है किस प्रकार की थी मतलब सोसाइटी में लोअर सेक्शन अपर सेक्शन तो लोग किस तरीके से डिवाइडेड थे ठीक है कौन से लोग टैक्स देते थे कौन से नहीं देते थे ठीक है और किन लोगों को हायर क्लास बिजनेसमैन या अपर लेवल में रखा जाता था किन को लोअर सेक्शन में रखा जाता था वो चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट जो है आपका वो फर्स्ट पॉइंट रहेगा सेकंड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कि भाई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ जो आउटब्रेक है मीन्स किस डेट को स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ ठीक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैपन हुई फिर ठीक है वाई स्टार्ट क्यों शुरू किया गया ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसे शुरू हो जाती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता ना तो क्यों स्टार्ट हुआ वो चीज़ पढ़ेंगे इसमें थर्ड फिर हम पढ़ेंगे कि फ्रांस अबोलाइज मुनैरची एंड बिकम ए रिपब्लिक कि जो फ्रांस है वो किस प्रकार वहाँ से जो राजा है उसको हटा दिया गया और वो क्या बन गया एक रिपब्लिक मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री ठीक है ये चीज़ें कैसे हुई वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं एंड डिड वोमेंस हैव द रेवोल्यूशन क्या महिलाओं ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था महिलाओं ने भी इसके अंदर भाग लिया था वो चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं कि वोमेंस का क्या पार्टिसिपेशन था क्या उनको इक्वल राइट right थे या नहीं थे ठीक है वो चीज़ें इसमें आएंगी फिर हम लोग पढ़ेंगे कि द अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी स्लेवरी का मतलब होता है ग़ुलामी किसी को दास बना लेना क्या बाद में क्या कर दिया गया था कि स्लेवरी को अबोलाइज मीन्स कि उसको पाबंदी लगा दी गई थी बंद कर दिया गया था ठीक है पहले लोगों को ग़ुलाम बना लिया जाता था पैसे में खरीद लेते थे उनसे सारी उम्र क्या करवाते थे काम करवाते थे ठीक है बट उसको क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया बाद में एंड द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ देखिए कि जो रेवोल्यूशन हुआ ना उसका फिर वहाँ का जो जीवन था वहाँ की हर रोज़ की जो लाइफ थी डेली लाइफ उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस चीज़ का ठीक है उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा डेली लाइफ के ऊपर कि लोगों का जीवन जो है लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ वो क्या क्या उनके थिंकिंग जो विचार हैं क्या बदले उनके हर रोज़ का जो जीवन था उनका तो किस प्रकार कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ रेवोल्यूशन के बाद में ठीक है वो आएगा लास्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ने वाले होंगे कंक्लूजन कंक्लूजन मीन्स कि भाई उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है क्या प्रभाव पड़ा है इस पूरा जो चैप्टर को रीड करने के बाद में हम लोगों ने क्या सीखा है ठीक है तो वो चीज़ें कंक्लूजन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सो दीज आर द टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ठीक है पता चल गया होगा आप लोगों की क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी ठीक है लेकिन इससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पहले हम ये स्टार देखेंगे कि जो सोसाइटी था वो कैसे डिवाइडेड था ठीक है सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि ओन द मॉर्निंग ऑफ फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन ठीक है कि चौदह जुलाई सत्रह सौ नवासी जो है को 1789 द सिटी ऑफ पेरिस देखिए जो पेरिस है वो क्या है कैपिटल ऑफ फ्रेंच ठीक है फ्रांस की कैपिटल है उस सिटी के अंदर कैपिटल के अंदर वो इन द स्टेट ऑफ आर्म मतलब एक घंटी बज गई घंटी का मतलब एक विद्रोह स्टार्ट हो गया ठीक है विद्रोह का मतलब कि एक आंदोलन स्टार्ट हो गया कब स्टार्ट हुआ मॉर्निंग कब 14 जुलाई 1789 कब स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 को कहाँ पेरिस के अंदर ठीक है क्या स्टार्ट हुआ एक रेवोल्यूशन अब उस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग क्यों हुई भाई द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी देखिए राजा ने क्या ऑर्डर दिया अपनी जो आर्मी थी उसकी एक टुकड़ी जो है आर्मी का एक टुकड़ी जो उसको क्या कर दिया शहर में जाने के लिए परमिशन दे दी ठीक है कि जो राजा ने ऑर्डर दिया कि आर्मी जो है कहाँ जाएगी सिटी के अंदर शहर के अंदर एंड रूमर रूमर का मतलब होता है अफवाह फैल जाना स्प्रेड फैल जाना ठीक है दैट वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओ ओपन फायर अपन दिटीजनस कि ये अफवाह फैल गई कि जो आर्मी है वो क्या करने वाली है लोगों के ऊपर फायर करने वाली है ओपन फायर करने वाली है ये अफवाह फैल गई कि राजा ने क्या है लोगों को मारने के लिए आर्मी भेजी है ठीक है तो ये अफवाह फैल गई ठीक है इसलिए क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 को मॉर्निंग में पेरिस के अंदर सिटी में एक लोगों ने क्या कर दिया आंदोलन स्टार्ट कर दिया ठीक है रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया क्यों क्योंकि लोगों को एक अफवाह फैल गई कि राजा ने क्या भेजी है आर्मी भेजी है क्यों भेजी है ऊपर कि फायर किया जाए लोगों को मारने के लिए ऐसी एक अफवाह फैल गई और फिर क्या हुआ कि सेवन थाउजेंड सात हजार मैन एंड द वोमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल टाउन हॉल के सामने देखिए एक जगह है ये टाउन हॉल ठीक है बिल्डिंग है वहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग इकट्ठे हुए लगभग सात हजार मैन एंड वोमेन टुगेदर गैदर्ड देयर वहाँ इकट्ठे हो गए सभी के सभी ठीक है एंड डिसाइड टू फॉर्म ए पीपल मिलिटिया और उन्होंने एक तरीके से एक आर्मी अपने आप को एक तरीके से एक गुट के रूप में क्या किया इकट्ठा किया अपने आप को एंड दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स अब उन्होंने क्या किया कि भाई जो काफी सरकारी बिल्डिंग्स जो थी सरकारी बिल्डिंग का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी थे उन सभी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया ठीक है किस चीज की सर्च में कि भाई वहाँ पर क्या हो सकता है कि इन सर्च ऑफ आर्म्स आर्म्स ठीक है एंड फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टूअर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी अब कुछ लोगों का एक ग्रुप जो है हंड्रेड ऑफ पीपल्स एक झुंड जो बोल सकते हैं लोगों का ग्रुप जो है वो क्या है मार्च करना मतलब ईस्टर्न साइड के अंदर मार्च करता हुआ किस साइड डायरेक्शन में ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर सिटी के एंड स्टोम दस्ट पेरिस पेरिजन ऑफ बास्टिल पेरिजन वो बास्टिल मतलब जो बास्टिल जो जेल थी उसको तोड़ दिया एंड वेयर दे होप टू फाइंड द होल्डर्ड एनिमेशन उनको लग रहा था कि जो उस एरिया में क्या होगा कि गोला बारूद या हथियार वगैरह उनको कुछ मिलेगा वहाँ पर ठीक है यस इन द आर्मड फाइट दैट फॉलो द कमांडर ऑफ द बास्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज क्या हुआ कि जो आर्म्ड जो थी मतलब जो लोगों का एक ग्रुप जो था वो क्या हुआ वहाँ के जो कमांडर थे बास्टिल के जेल के जो कमांडर थे वो क्या हुए मारे गए एंड प्रिजनर रिलीज और वहाँ के जो कैदी थे वो क्या हुए छुड़ा लिए गए एंड देर इज ओनली सेवन लेकिन उनकी संख्या बड़ी थोड़ी थी मतलब साथ ही थे वो सिर्फ ठीक है जिन कैदियों को छुड़ाया गया था उनकी संख्या कितनी थी केवल सेवन येट बास्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल लेकिन जो बास्टिल जेल थी ना जिसको इन्होंने तोड़ा था उससे सभी क्या करते थे हेट करते थे हेट का मतलब उससे घृणा करते थे चिढ़ते थे उससे क्यों बिकॉज इट्स टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग क्योंकि ये क्या करती थी राजा की पावर को शो करती थी मतलब कि राजा की जो दादागिरी बोलते हैं हम राजा की जो धाक बोलते हैं भाई उस उसकी पावर को शो करती है तो उसको तोड़ देना ही उस उन्होंने समझा ठीक है एंड द फोर्स So, the fort, forts were and the were were and stone fragment were sold and market all those who to keep a souvenir of its destruction कहने का मतलब क्या है कि जो ये आपने इन्होंने बास्टिल जो तोड़ा था इसके अंदर जो स्टोन्स पत्थर वगैरह जो थे उनको क्या कर दिया गया मार्केट के अंदर बेच दिया गया किन लोगों को बेच दिया गया जो इस चीज़ को एक याद के तौर पर रखना चाहते थे मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ था उसको एक यादगार बनाना चाहते थे लोग कि भाई तब ऐसा हुआ था और वहाँ की जो चीज़ें थी उसको क्या कर लिया उन्होंने अपने यहाँ घर पे खरीद लिया कि ऐसा हुआ था तो उस टाइम की ये चीज़ें देखो मेरे पास में है ठीक है इस तरीके से एक यादगार के तौर पर उन्होंने अपने पास में उन चीज़ों को रख लिया ठीक है एंड द डे दैट फ्लोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन द पैरिस और कुछ कुछ दिनों के तक मतलब इसी तरह क्या होते रहे दंगे वगैरह आंदोलन वगैरह रेवोल्यूशन जो है ना पेरिस के अंदर चलते रहे ठीक है कंट्री साइड एंड मोस्ट पीपल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड और ज़्यादातर लोग क्या है किस चीज़ के अंगेंस्ट में थे कि भाई इनके जो प्राइस हैं किस चीज़ के प्राइस कि वहाँ के जो ब्रेड के प्राइस मतलब अनाज के जो दाम थे वो क्या हो गए थे खाने पीने के चीज़ों के जो प्राइस थे वो क्या हो गए थे काफ़ी बढ़ गए थे तो लोग उसके अगेंस्ट में चले गए थे ठीक है सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो ये आप लोगों का पहला टॉपिक था और इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी कम्प्लीट हुआ है सो आई थिंक यू अंडरस्टूड यू गोट इट ओके सो थैंक यू एंड टेक केयर